सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि 8 अगस्त को Realme का एक इवेंट था जिसके अंदर Realme ने 64 मेगापिक्सल के कैमरे को इंट्रोड्यूस किया है। तो ऐसे में दोस्तों हमें Realme की तरफ से तीन ऐसे स्मार्टफोन मिलेंगे जिस पर हमें 64 मेगापिक्सल के क्वाड रियर कैमरा मिलेगा, जहां Realme 5 Pro होगा, Realme 5 होगा और Realme X Pro, ये तीन स्मार्टफोन होंगे। बट दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Realme 5 Pro स्मार्टफोन के बारे में, क्योंकि दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें Helio G90T का पावरफुल चिपसेट मिलेगा, 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये सब कुछ जानने के लिए बिना स्किप के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नए हो तो प्लीज दोस्तों नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं मोबाइल फोन के डिजाइन से। तो ऐसे में दोस्तों Realme 5 Pro स्मार्टफोन पर हमें ग्लास बैक और ग्रेडियंट कलर का यूज देखने को मिल जाएगा, जहां दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें 64 मेगापिक्सल के क्वाड रियर कैमरे का सेटअप भी रियर साइड पर देखने को मिल जाता है। फ्रंट साइड की बात करें तो दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें 6.5 इंच की FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी, जहां दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें सेल्फी कैमरा पॉपअप कैमरे के रूप में मिलेगा, मतलब कि मोबाइल फोन के डिस्प्ले में फुल व्यू देखने को मिल जाएगी। वहीं मोबाइल फोन पर हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें सुपर एमोलेड पैनल मिलता है। अगर दोस्तों हम परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों ऐसे में मोबाइल फोन पर हमें पूरे चांस है कि मोबाइल फोन पर हमें MediaTek Helio G90T का चिपसेट मिलेगा, मतलब कि हाल ही में ये चिपसेट लॉन्च किया गया है, जिससे दोस्तों हम एक अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस भी ले सकते हैं। वहीं दोस्तों ये स्मार्टफोन में हमें दो वेरिएंट्स में मिलेगा, 6GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज और 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज, और माइक्रो SD कार्ड के एक डेडिकेटेड स्लॉट भी हमें अलग से देखने को मिल जाएगा। तो बात करते हैं दोस्तों मोबाइल फोन के कैमराज की। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि ये कंफर्म हो चुका है कि Realme 5 Pro पर हमें क्वाड रियर कैमरे के सेटअप मिलेगा, जिसके रियर साइड में मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का, जहां में Samsung G001 का सेंसर मिलेगा। सेकंड कैमरा होगा 16 मेगापिक्सल का, थर्ड सेंसर होगा 5 मेगापिक्सल का जो एक डेप्थ सेंसर रहने वाला है, और फोर्थ सेंसर होगा 2 मेगापिक्सल का जो एक माइक्रो सेंसर होगा, और दोस्तों जो सेकेंडरी कैमरा होगा 16 मेगापिक्सल का जो एक वाइड एंगल सेंसर है। अगर हम फ्रंट साइड की बात करें तो दोस्तों हमें 25 मेगापिक्सल का एक पॉपअप सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें एक बेहतरीन कैमरे देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करते हैं मोबाइल फोन की बैटरी और अदर फीचर्स की। तो ऐसे में दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें 4045 mAh की बैटरी मिलेगी, जो वुक चार्जिंग 3.0 को सपोर्ट करेगी। मोबाइल फोन पर हमें टाइप सी पोर्ट, 3.5mm का ऑडियो आउटपुट जैक भी देखने को मिलता है, और दोस्तों मोबाइल फोन पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 9 पाई हमें देखने को मिल जाएगी। देखते हैं कि दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें कलर OS 6.0 मिलती है, ये आने वाली Realme OS यानी कि Realme खुद की OS देखने को मिलती है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से Realme 5 Pro स्मार्टफोन पर हमें एक बेहतरीन स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है। देखने की बात यह है कि दोस्तों ये स्मार्टफोन किस प्राइस रेंज में लॉन्च किया जाता है। मेरे हिसाब से दोस्तों मोबाइल फोन के प्राइस अप्रोक्स हो सकते हैं 15,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 15,000 और 16,000 रुपए के प्राइस रेंज में हमें क्वाड रियर कैमरे का सेटअप मिलेगा। वहीं दोस्तों लॉन्च डेट की बात करें तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि 8 अगस्त को Realme के CEO ने कंफर्म कर दिया था कि ये स्मार्टफोन दिवाली के करीब हमें देखने को मिल जाएगा, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये स्मार्टफोन हमें अक्टूबर के महीने में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज दोस्तों नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले।